नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नौगांव थाना अंतर्गत लुगासी चौकी क्षेत्र के चौखड़ा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से भाग खड़ा हुआ। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस एवं एसडीओपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा बनाकर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक चौखड़ा के ग्रामीणों के मुताबिक जय हिंद यादव अपनी पत्नी भारती यादव के साथ किसी बात को लेकर झगड़ रहा था, तभी वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति जय हिंद यादव ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी ही पत्नी भारती यादव के गले पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से भारती खून से लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी। भारती की हालत देखकर आरोपी जयहन मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद काफी देर तक भारती ऐसे ही पड़ी रही और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने मामले की सूचना लुगासी पुलिस को दी। लुगासी चौकी प्रभारी एसआई बलराम यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। मामला नवविवाहिता से जुड़ा होने और संगीन होने के चलते सूचना नौगांव थाना पुलिस को भी दी। नौगांव पुलिस थाना प्रभारी सतीश सिंह और एसडीओपी चंचलेश मरकाम ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। देर रात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। तो चौखड़ा गांव में आज एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है, क्या क्या सा मामला है? रात में देर रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चौखड़ा में है एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना की तस्दीक कर वहाँ पर जब मैं बल्कि पहुँचे तो ग्राम में रास्ता जब थी उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके वहाँ से भाग गया था। इसकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर घटना का वास्तविक कारण का कुछ पता नहीं? उनका आपसी घरेलू विवाद था और यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और उसी पर से कल जो है पति ने उसके। तो सर आरोपी क्या अभी गिरफ्त में हैं या अभी आरोपी हमारी गिरफ्त में नहीं है, जल्दी पता एक कितने लोगों के ऊपर सर FIR की? अभी जो है उसके पति जो है जयहिंद यादव उसके खिलाफ कर लिया गया है। हमारे साथ घटना साझी भाई के हमारी बच्ची की शादी भई थी चौखड़ा आयोजन यादव की बहू, तो इनने हमारी बच्ची को पिछली 27 तारीख को छेड़छाड़ करी थी। बहू से बोले थे कि हमसे 20,000 रुपया ले ले हमारी बन जा। तो हमारी बिटिया ने हमें फ़ोन लगाओ, हमने इनके भनियाई खाओ बाप खाओ और कके यादव भैया हाँ मुन्ना यादव हाँ और जो चतुर भोजे यादव पचिए वाहन हैं इन्हें जोड़ जा के कैपड़ा में यादव हैं जोड़ के इनसे कहो के देखो भैया इस जैसा सोचियो अंग हमें और आगे अगर कछु बाद विवाद में लेता है अब तुम जानो। तो जी बोले के अब कछु ना हो गए अब एक देखी गम खाओ, तो हमने सारे गम खा गए हम घर चले गए। फिर इनने हमें अभी यार 10 दिन पहले फ़ोन लगाओ बोले तुम्हारी बिटिया गाली गलौज कर रही हमको जान से मार देंगे कौनों बिना। सो हमने कही के देखो बिटिया गाली गलौज बिल्कुल ना कहें, हम फ़ोन लगा के कहें दई। तो हमने अपनी बिटिया से कह दिया कि बेटा पहले से तुम ना बोलियो, जब जी जो कहा तो हमें बताइयो। उस दिना से हमें कोई सूचना नहीं। कल इनने एक से 6:30 बजे फ़ोन लगाओ हमारे घर पे भैया हन लो, सो इनने बताओ कि तुम्हारी बिटिया के हंसिया लग गओ आर पार निकल गए पाँव में। सुबह हम दवा भी करा लिया वो गए हों सो गई, सो अब तुम आ जाओ सो जान ले चल ले तो ले चल। अभी कहाँ पर हैं? अभी यहाँ अस्पताल में है सर। छतरपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अरविंद गोस्वामी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।